नमस्कार, मैं संजय सनम। लोकसभा चुनाव 2019 अब आखिरी मोड़ पर, सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होना है। सबकी नज़रें बंगाल पर टिकी है। बंगाल की 42 सीटों में से 2014 की अगर मैं बात करूं, तो उनमें से 34 सीटों पर ममता बनर्जी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है और ममता बनर्जी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। यह जो जंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, इस जंग ने समूचे देश की नजरें बंगाल पर लगा दी है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है? जी हां, 14 मई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो, और उस रोड शो के दौरान जिस तरह की घटनाएं घटी कि जिस तरह से टीएमसी के छात्र यूनियन के लोगों ने, सबसे पहले बताया जाता है कि उन्होंने काले झंडे दिखाए, वो स्वाभाविक है। कोई भी पार्टी के वर्कर्स किसी भी पार्टी के वर्कर्स को दिखा सकते हैं। काले झंडे दिखाने के बाद में खबर यह आई कि उन्होंने कुछ पत्थरबाजी की, कुछ बोतलें फेंकी, और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वापस दिया। इस हिंसक सवाल जवाब के दौरान एक विद्यालय, महाविद्यालय पड़ता है ईश्वर सागर महाविद्यालय कॉलेज, उसमें ईश्वर सागर विद्यासागर जी की जो एक मूर्ति है वो तोड़ दी जाती है। कौन तोड़ता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से टूटती है या टीएमसी के कार्यकर्ता तोड़ते हैं, अभी तक ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता गेट के बाहर खड़े थे, गेट बंद था, इसलिए हमारे कार्यकर्ता ने तो एंट्री ही नहीं ली। लेकिन उधर से बात यह आ रही है कि यह जो कारनामा किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। हमारा विषय यह नहीं है कि उस मूर्ति को किसने तोड़ा, लेकिन यह जरूर है कि जो देश के नायक हैं, देश के महापुरुष हैं, देश के युग पुरुष हैं, जो सिर्फ न बंगाल की शान है, जो पूरे भारत की शान है, उनकी मूर्ति को तोड़ना वाकई में दुखद है, निंदनीय है। चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस राजनीतिक समीकरण का कि क्या ईंट का जवाब भारतीय जनता पार्टी पत्थर से देने लग गई है। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैडर जिस उत्साह के साथ बाहर निकल रहे हैं, और अगर ये बात सही है कि उन्होंने उस महाविद्यालय में घुस करके टीएमसी के जो कैडर हैं, छात्र संघ के, उनके साथ मारपीट की है, हिंसक घटना की है, तो फिर ये तो बात हो गई घर में घुसकर मारने वाली बात। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो ये बताई जा रही है कि शुरुआत टीएमसी के जो छात्र संघ के कैडर थे उन लोगों के द्वारा हुई थी, और उसके बाद में ये जवाब दिया गया। हिंसक जवाब कहीं से भी हो, कैसे भी हो, उसकी परिणति खराब होती है, और राजनीति में भी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पर बंगाल की राजनीति आप बिना हिंसा के कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो 40 साल का वाम मोर्चे का शासन रहा हो, चाहे उसके बाद ममता दीदी का शासन हो। और अगर कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले वर्षों में अगर जिस ढंग से बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है, उस रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए तो भी ये कल्पना करना शायद मुश्किल है कि हिंसा एकदम नहीं होगी। अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, पर बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव मोड पर हुई है, जिस तरह से एग्रेसिव हुई है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के मन में एक खौफ पैदा करने वाली बात है। और जो बंगाल की दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आप वाम मोर्चा ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, वो मौन मुख दर्शक के रूप में इस तमाशे को देख रही है, और कहीं ना कहीं वो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव रूप और सामने आए, ताकि टीएमसी
का जो बहुत अधिक एग्रेसिव है, बहुत अधिक उग्र है, बहुत अधिक आक्रामक है, वो कंट्रोल में आ सके, ताकि उनको भी अपनी जमीन पर खड़े रहने का मौका मिल सके। सवाल यह है कि सातवें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये एग्रेसिव मोड क्या इफेक्ट लाएगा? तो मुझे लगता है कि बंगाल की आबोहवा में एक तरफ तो क्रांति है, क्रांतिकारियों की क्रांति है, दूसरी तरफ बंगाल का जो बंगाली समुदाय है वो बड़ा शांति प्रिय है। आप देखिए कि बंगाली समुदाय जहाँ रहता है वहाँ आफ्टरनून मतलब 1-2 बजे के बाद में एकदम शांति। बंगाली परिवार खाना खाने के बाद में घर में आराम करना पसंद करते हैं, न तो वो किसी को डिस्टर्ब करते हैं और न ही उन्हें यह मंजूर होता है कि कोई शोर शराबा करे, उनको डिस्टर्ब करे। तो शांति प्रिय समाज है, और ये शांति प्रिय समाज हिंसा में शामिल नहीं होता। लेकिन जब उसे ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और उस गलत का जवाब देने के लिए कोई समुदाय, कोई समाज, कोई पार्टी ताकत के साथ खड़ी है, तब तो वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा कि ये हमको बचा सकता है, अन्यथा वो फिर किसी भी तरह की हिंसा में, किसी भी तरह के झमेले में नहीं जाएगा। इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सातवें चरण का चुनाव हो सकता है वो ये माहौल बना दे, ये माहौल दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी जमीनी स्तर पर नहीं फैल रही, बल्कि उसके कैडर भी एग्रेसिव होकर के टीएमसी को जवाब देने की स्थिति में आ गए हैं। और यह संदेश मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति में अगर कोई पार्टी आ जाती है, तो फिर वहां का जो मतदाता होता है, जो साइलेंट होता है, जो हिंसा को पसंद नहीं करता लेकिन जो मजबूरी में चुप रहता है, वो फिर बाहर निकलता है, क्योंकि उसे एक उम्मीद रहती है कि अब अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो उसे संभालने वाला कोई है। इसलिए मुझे लगता है कि सातवें चरण के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी के एग्रेसिवनेस का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, और बंगाल की राजनीति में ये एक नया मोड़ है, ये नया दौर है। अब लग रहा है कि टक्कर बड़ी कड़ी है, आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि सिर्फ जनता का करंट नहीं है, कहीं ना कहीं कैडर का करंट भी है। कैडर भी घर में घुसकर मारने वाली राजनीति में आ गए हैं, जो कि मंजूर नहीं की जा सकती, न तो मंजूर उस हिंसा को किया जा सकता है। आप झंडे दिखा सकते हैं, आप गोबे के नारे लगा सकते हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर आप किसी के रोड शो में पत्थर फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये भी आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टी रोड शो कर रही है उसके लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया स्वरूप जब दूसरी पार्टी एग्रेसिव होकर के अपने हमले का जवाब देती है और वो उस क्षेत्र में घुस करके, जैसा कि लोग कहते हैं, हालांकि बीजेपी के नेता और बीजेपी के कैडर ये कहते हैं कि हम घुसे ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अंदर घुसे थे, तो अंदर घुसकर मारने वाली बात अगर आ गई तो इसका मतलब है कि चोट बहुत गहरी लगी है, थप्पड़ बहुत गहरी लगी है, और भारतीय जनता पार्टी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इस ईंट का जवाब पत्थर से देने में सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना भुलाने वाली नहीं है, वो दुर्घटना निंदनीय है। ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति ध्वस्त हुई है, ये जो घटना है, दुर्घटना है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम फिर कहते हैं कि राजनीति में किसी भी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, सद्भावना के साथ होनी चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहनी चाहिए, जनमत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बंगाल की राजनीति में हिंसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंसा से ही कोई पाड़े का नेता बनता है, पाड़े का मतलब मोहल्ले का नेता। यह बंगाल की राजनीति में है कि अगर आपको नेता बनना है तो आपको सबसे पहले कुछ अपना ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये दौर बदलना चाहिए। जैसे जैसे यूथ आगे आ रहे हैं, ये दौर बदलना चाहिए, शिक्षित लोगों को आगे आना चाहिए, हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, वैचारिक विश्लेषण होना चाहिए, वैचारिक परिचर्चाएं होनी चाहिए, तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, न तो बोतलें फेंकी जानी चाहिए और न पत्थर फेंके जाने चाहिए, न पेट्रोल बम से आग लगाई जानी चाहिए, न मूर्तियां तोड़ी जानी चाहिए।
सवाल ये नहीं है कि मूर्तियां आप बना दो के, सवाल ये है कि वो जिसकी मूर्ति है क्या उनके उसूलों को आप बना पाओगे। हम उसूल नहीं बना पा रहे हैं, हम मूर्तियां बना रहे हैं, सवाल ये भी है। और सातवें चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने पहली बार बहुत जोर से, हालांकि पहले भी दिखाया है, लेकिन ये जो एग्रेसिव रूप भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने दिखाया है वो एक नई राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। वो ये बता रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं, अगर तुम हमला करोगे तो फिर हम घुस करके मारने की स्थिति में भी आ सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। एक अपील है आपसे कि लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि राजनीति और राजनीति के अलावा जितने भी समसामयिक विषय हैं उन पर मैं तार्किक विवेचन के साथ, विश्लेषण के साथ आपसे अपनी बात कह सकूं और आप मेरी बात को अपनों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।